केमिकल की दुकानें शुरू हो गई हैं माजी। लेकिन ये तो छोटी छोटी हैं, ये दुकानें छोटी है, थोड़ी सी आगे बड़ी होंगी दुकानें। आगे देखते हैं कितने जूनो मार्केट की तरफ जब आप वहाँ से आएंगे दूसरी तरफ से जहाँ से मैं आया हूँ ली मार्केट की तरफ से, तो पहले आपको जो है ना यहाँ से वो पड़ेगी मार्केट केमिकल की। ये नया मिलता है या पुराना है? ये नया मिलता है या पुराना है? ये तो पुराने लगा रखे हैं। बस वो जो घर पे जो पैकिंग वगैरह करते हैं इसके उसके छोटा मोटा पैकिंग के लिए चाहिए आपको, ये नहीं लो। हां ये सामने घड़ी वाला कांटा नजर आ रहा है? हां इसके पास जो इसको बोलो 110 वाला कांटा, 110 वाला। हां ये जूना मार्केट है या जोड़िया? जोड़िया ये जोड़िया बता रहे हैं? सीधे आगे जाओगे जूना मार्केट। अच्छा यहां से सीधे हाथ की तरफ मैं जाऊंगा तो वो जूना मार्केट है, ये जोड़िया बता रहे हैं? अच्छा तो खोए वाले की मार्केट गली है, सीधे आगे जाओ खोए वाले। अच्छा जो बेकिंग के लिए होते हैं तराजू छोटे से इलेक्ट्रॉनिक बेकिंग के लिए जो होते हैं, यानी कि कितने केजी तक कर सकता है ये? 5 तक है ये, ऑटो होता है ना ये? ये कितने तक का है? 850 का है। तो ये होलसेल मार्केट है ये सारी 850, और इससे जो बड़ा आता है ये तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ये फिर कमर्शियल में आ जाते हैं 850 का। ठीक है मैं पता करता हूँ फिर। होलसेल ये गैस का चूल्हा कितने का? हाँ जी वाला है 1500। कितनी गैस आती है इसमें? इसमें गैस कितनी आती है? 4 किलो वाला 1500, 4 किलो वाला।
आइसक्रीम बनाने वाली मशीन कितने की है? आइसक्रीम बनाती है ना? अच्छा काम से क्या है वो? अंदर तो काम कर रहा है वो। बेकिंग का सामान यहाँ से मिलेगा, छोटा छोटा सब बेकिंग का सामान। एक एक की प्राइस में पूछ नहीं सकता। सारे कितने खूबसूरत ट्रे में लगी हुई है, दो दो तीन तीन ट्रे। ये सारा चमड़े वाला काम है यहाँ पे। ये ट्यूबें आती हैं यहाँ पे, ये छोटे चूल्हे लेके बैठे हैं। Thank you.